सिरमौर तहसील के सगोरा गांव के लोग नहीं जाते थाना कचहरी, आपस में दूर करते हैं मनमुटाव। विवाद विहीन घोषित किया गया जिले का एक गांव। इस गांव के लोग समाज में लोगों के लिए मिसाल बनते हुए आपसी प्रेम और भाईचारे की अनोखी मिसाल पेश की है। इस गांव में रहने वालों को थाना और कचहरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। इनके आपसी रिश्ते इतने मधुर है कि विवाद होते ही नहीं है। कभी यदि कुछ मनमुटाव हुआ तो आपसी समझदारी दिखाते हुए इसे खुद ही दूर कर लेते हैं। आज के इस दौर में जहां छोटी छोटी बातों में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और किसी भी घटना को अंजाम दे देते हैं, लेकिन रीवा जिले का एक गांव ऐसा भी है जहां रहने वालों ने आपसी प्रेम और भाईचारे की ऐसी मिसाल पेश की है कि आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जी हां, अगर इस गांव में कोई मनमुटाव हो जाए तो कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि घर में ही मामला सुलझा लिया जाता है। जी हां, सिरमौर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलवा सुरसुरी सिंह के अंतर्गत आने वाला सगोना गांव विवाद विहीन घोषित है। सगोना गांव में सबसे ज़्यादा आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की है। इनकी संख्या 250 है, वहीं सामान्य वर्ग के 100 लोगों की आबादी है। पिछड़ा वर्ग के 30 और अनुसूचित जनजाति के 20 लोग हैं। विवाद विहीन योजना 2020 में इस गाँव को विवाद विहीन घोषित किया गया है। इस गांव में आगे भी ऐसी स्थिति बनी रहे इसके लिए गांव में 7-7 सदस्यीय सेवा दल गठित किए गए हैं, जो लगातार गांव की गतिविधियों पर नज़र बनाए रखते हैं। साथ ही ग्रामीणों को समय समय पर विभिन्न जानकारियां दी जाती है। यहां रहने वाले लोगों के बीच अटूट प्रेम है, यही वजह है कि इस गांव के लोगों को थाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि कभी कुछ मनमुटाव हुआ तो आपस में ही इसे दूर कर लिया जाता है। ये ग्रामीण सगौना है, सरपंच के माध्यम से कमेटी बनाई गई है। अगर कोई विवाद होता है कमेटी और सरपंच के द्वारा सुलझा लिया जाता है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई विवादित आगे जाता है और यहीं सब निर्णय हो जाता है। कभी कोई झगड़ा हुआ भी तो यहीं निपटारा कर लेते हैं, आगे कोई हुआ नहीं। कमेटी बनाई गई है, वो मेल जोल करके रहते हैं। और यहाँ आदिवासी ज़्यादा हैं यहाँ और जनसंख्या में, और वो पिछड़ा वर्ग कुछ हैं, सामान्य है। और यहाँ झगड़ा विवाद जो होता है आपस में बैठकर समझौता करा लिया जाता है ताकि थाने तक न जाए प्रकरण। यहाँ सगुना में आबादी लगभग 400 है, इसमें हम 4-5 कमेटी में हैं। और जो आपस में विवाद होता है आपस में बैठ करके हम कमेटी लोग उसमें आपस में निपटारा कर देते हैं कि आप थाने न जाइए, यहीं आपस में मिल जाइए, विवाद से कोई वो नहीं पड़ेगा। जहाँ भाई भाई का नहीं होता, पड़ोसियों का आपस में अच्छा रिश्ता नहीं रहता, लोग छोटी छोटी बातों में एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, ऐसे में इस गांव का आपसी भाईचारा और प्रेम दूसरों के लिए मिसाल बनकर सामने आया है। और लोगों को इनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से रिश्तों में मिठास रखनी चाहिए। जीआईसी के द्वारा बताया गया कि इस गांव के की रिपोर्टें निश्चित रूप से बहुत कम आती हैं, ना के बराबर ही रिपोर्ट आती हैं। ये हमारे कानून व्यवस्था के लिए और साथ में एक सभ्य समाज के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जहाँ भी पुलिस बल की, कानून की, दंड की आवश्यकता कम से कम पड़े, उस समाज को सभ्य समाज के रूप में जाना जाता है। तो बेलवा सुरसुरी के लोगों ने निश्चित रूप से एग्जाम्पल पेश किया है कि वहाँ कोई विवाद होते नहीं है। अगर कोई विवाद ऐसा हो भी जाता है तो लोग आपस में सुलझा लेते हैं पंचायत के माध्यम से, आपसी सहमति के माध्यम से। मैं थाना प्रभारी को भी बोला है कि हमारे अभी जो ये कोरोना के संबंध में जो दिशा निर्देश हैं उसके संबंध में एक बार गाँव का भ्रमण भी करेंगे और वहाँ पर लोगों को और जागरूक भी करेंगे वैक्सीन लगाने के संबंध में, साथ ही कोरोना से जो गाइडलाइन है उसके पालन कराने के संबंध में। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट।